हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीआईएसएस। आज के टाइम में कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कोरोना से लड़ने के लिए। हमें एक चीज की जरूरत है और वो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम। देखिए, यदि हम लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी तभी हम लोग कोरोना को मात दे पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी सी कॉमन चीजें बता रही हूँ जिन्हें अगर आप यूज कर लेंगे तब आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो बहुत ही छोटी चीजें हैं। साथ ही मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी कि जिससे आपको परेशानी हो ही ना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी, देखिए, यदि आपका लीवर, आपकी इंटेस्टाइन यानी आपकी आंखें, आपका जिगर और किडनी, ये सारी चीजें ही आपका साथ देंगी, बूस्ट होंगी, इनमें ज्यादा रोगों से लड़ने की शक्ति होगी, तब आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इन्हें मजबूत करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। साथ ही भरपूर नींद कैसे ली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा बहुत ही छोटी चीज है, देखिए, सबसे पहले तो मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। मास्क लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि किसी दूसरे के अंदर संक्रमण है तो वो संक्रमण आप तक ना आए, क्योंकि आपका मुंह और नाक अभी कवर हैं, ढके हुए हैं, तो ढके होने की वजह से वहां पर संक्रमण नहीं होगा, वहां पर कीटाणु नहीं आएंगे। तो इसलिए बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। आजकल एक ट्रेंड है, लोग वह क्या करते हैं, मास्क को या तो यहाँ चिन पर लगा कर रखते हैं और या मास्क यहाँ पर होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाइए। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप बाहर से आते हैं तो हाथ धोने के साथ साथ अपना मास्क भी धोइए, क्योंकि उस पर बहुत सारे कीटाणु लगे हुए होते हैं और आप जब उसको कहीं पर भी रख देते हैं तो वो कीटाणु वहां पर भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आपको करने ही करनी है। साथ ही मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आपको चाय नहीं पीनी है। आज मैं आपसे ये कहती हूँ, आप चाहे जो मर्जी पीजिए, लेकिन साथ ही आप उसमें अदरक और तुलसी, ये दो चीजें और ऐड कीजिए। साथ ही आपको भाप लेनी है। देखिए, भाप भी आप तीन तरीके से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? या तो आप स्टीमर अरेंज कर सकते हैं, तो स्टीमर अरेंज कर लीजिए और उसमें पानी डाल के और अजवाइन डाल लीजिए और स्टीम ले लीजिए अपने आप को पूरे अच्छे से कवर करके। ठीक है, दूसरी तरह कैसे ले सकते हैं, एक पतीले में पानी ले सकते हैं, उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप भाप लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, तवा लीजिए, तवे को गर्म कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन, 2 से 3 चुटकी अजवाइन लीजिए और थोड़ी सी कपूर लीजिए और 1 लौंग लीजिए और उसे गर्म होने दीजिए। और जब वो गर्म हो जाए तब वो टावल से अपने आप को कवर करके और तब उसको सूंघिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नोजल के आसपास जो कुछ भी कीटाणु है वो सारे मर जाएंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे और जो आपको थ्रॉट इन्फेक्शन भी है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी भाप लेने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए भाप सभी को ले लीजिए। और इतना भी आप लोगों से यदि नहीं होता है तब आप क्या करेंगे, देसी कपूर आती है मार्केट में वो लेंगे और अजवाइन लेंगे और 2 लौंग लेंगे, उनकी पोटली बना लेंगे। किसमें पोटली बनाएंगे, कोई भी बिल्कुल सूती और हल्का कपड़ा लें, ज्यादा मोटा कपड़ा ना लें, उसमें उन सारी चीजों को बांध लीजिए और टाइम टाइम से सूंघते रहिए। अगर बड़े हैं आप तो आप अपने हाथ में उस पोटली को रखिए और टाइम टाइम से सूंघते रहिए। यदि बच्चे हैं, नहीं हाथ में कैरी कर सकते हैं, तो उनकी कलाई पर यहाँ पर बांध दीजिए। कितने भी छोटे बच्चे हों, आप सभी के लिए ये कर सकते हैं, चाहे पैदा हुआ बच्चा है उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि यदि इन्फेक्शन गले में पहुंच गया है तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप आधा कप गर्म पानी लेंगे और उसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे और उसे घुट घुट करके पियेंगे दिन में 2 से 3 बार, तो थ्रॉट इन्फेक्शन जो हो गया है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जल्दी से, जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।
जब आप आपकी मिडिल फिंगर, देखिए मिडिल फिंगर और जो आपकी ये रिंग फिंगर है इनके बिल्कुल सेंटर से आप लेंगे और सेंटर से यहाँ पर इस वाली लाइन पर एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसी के सेंटर में दूसरा पॉइंट ये हो गया जो आपका लीवर है उसको बूस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट आपके पेट को बूस्ट करेगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपके, ये देखिए ये जो लाइनें जाती हैं, दो लाइनें जा रही हैं इनके बिल्कुल सेंटर, देखिए इस तरह से आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ये आपकी इंटेस्टाइन को बूस्ट करेंगे, ठीक, और जो आपकी ये वाली लाइन है इसके बिल्कुल टच होते हुए यहाँ पर ये आपकी किडनी को बूस्ट करेंगे, तो इस तरह से आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर दबाएंगे आप तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब नींद लेनी भी बहुत जरूरी है, अगर आपको थ्रॉट इन्फेक्शन है तो आप क्या करेंगे, जो ये आपका अंगूठा है, अंगूठे में जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है इसमें एक दो और ये तीन, ये आप दबा देंगे। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आती है तब आप क्या करेंगे, इस छोटे से हिस्से में आपको बिल्कुल सेंटर लेके चलना है और एक दो और ये तीन, ठीक है, और ये नेल के दोनों कॉर्नर पर ये पांच निशान लगाने हैं, इससे आपको नींद आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, और ये दोनों हाथों में करना है ऐसा आपको, ठीक है, अब दोनों हाथों में करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये निशान लग चुके हैं। अब आपको क्या करना है, चाहे आप इनमें मेथी दाना लगा करके टेप लगा दीजिए या कोई भी सीड लगा दीजिए, दाल लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, लेकिन रात के टाइम लगा करके सोइए, बाहर आपको नहीं जाना है ये लगा करके। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जो आप टेप लगाएंगे उन पर भी कीटाणु बैठ जाएंगे और आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। साथ ही इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन अगर हो गया है आपको तब आपको क्या करना है कि फिटकरी का पानी, फिटकरी को पानी में घोलना है, कितनी फिटकरी, एक चुटकी फिटकरी लेनी है एक गिलास पानी में और उसे पी लेना है, तो ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक का काम करेगा, जो टैबलेट्स एंटीबायोटिक का काम करती हैं वही ये फिटकरी करेगी, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।